अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। स्वागत है जी, बहुत बहुत आपका भी अभिनंदन और धन्यवाद। बनारस में क्या खास प्रोग्राम है? आज महाशिवरात्रि महोत्सव चल रहा है वाराणसी में और आज उसकी क्लोजिंग है, यानी समापन का जो समारोह है वो कैलासा लाइव इन कॉन्सर्ट, यानी हम लोगों का जो बैंड है कैलासा और उसकी प्रस्तुति से होगा, जो कि बनारस में जब भी गाते हैं, एक तो शिव की अलख जगती है, ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है तो पूरी काशी ही शिवमय हो जाती है, और जब कैलाश खेर और कैलासा इन दोनों का मंचन होता है तो आप लोगों ने तो अनुभव लिया भी होगा पहले, जैसे गंगा महोत्सव और यहाँ पे पिछली बार हमने अभी पिछले वर्ष ही फरवरी में गाया था यहाँ 25 फरवरी को, ट्रंप वाले जब मोटेरा स्टेडियम में गाया था ना 24 को, 24 के बाद हम 25 को सीधा यहीं आए थे, उसका नाम था गंगा योद्धा महोत्सव, वो भी 80 घाट पे ही हुआ था, वो टेरिटोरियल आर्मी ने कराया था। सर अध्यात्म से भी आप काफ़ी जुड़े हुए हैं, अध्यात्म से रिलेटेड भी आप काफ़ी फंक्शन करते रहते हैं, प्रोग्राम करते रहते हैं, अभी यूपी गवर्नमेंट से जुड़ के क्या क्या प्रोग्राम कर रहे हैं? जी यूपी गवर्नमेंट के साथ हम लोग, देखिए हमारा उत्तर प्रदेश जो है अध्यात्म का गढ़ है, भगवान श्री राम की जन्मभूमि, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, और मैं तो उसको जन्मभूमि भी नहीं कहूँगा, अवतरण है, परमात्मा ने अवतरण लिया जिस खंड में, उसका उस खंड का नाम है उत्तर प्रदेश, मेरे बाबा विश्वनाथ की भूमि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इतनी जागृत और तपोभूमि है इस पूरे भारत की, वैसे तो पूरा हमारा भारत ही दिव्य है, मेरा पूरा भारत ही देव लोक है मेरी दृष्टि में, परंतु उसमें भी जहाँ देवताओं का अवतरण हो रहा है प्रभु रूप में, भगवान विष्णु रूप बन के आए श्री राम, भगवान विष्णु श्री कृष्ण रूप बनकर आए मनुष्य रूप में, ताकि संसार इस जगत को, इस जगत के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सके, भगवान श्री राम ने इसीलिए मनुष्य रूप लिया था, भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए मनुष्य रूप लिया, ताकि इस जगत को जीने का कला मिल सके, जीने की संस्कृति का पथ मिल सके। हाँ तो ये ऐसा खंड है उत्तर प्रदेश, लेकिन विखंडित हो गया बीच बीच में संस्कृति सभ्यता हमारी शिक्षा, तो इसको थोड़ा जोड़ने की अब प्रारंभ करने की शुरुआत हुई है, अब धीरे धीरे केंद्र में इतना प्यारा नेतृत्व आया कि लग रहा है जैसे कोई भारतीय ही भारत को अब चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी अब ऐसा नेतृत्व जिससे लग रहा है हे मेरे ईश्वर, अब उत्तर प्रदेश के भी भाग जैसे जगह हैं। उत्तर प्रदेश में पहले रोड की हालत बहुत खस्ता थी, अब मैं आपको एक बहुत ही प्यारी बात बताता हूँ, पिछले कुछ वर्षों में हम उत्तर प्रदेश में बहुत गमन कर रहे हैं, बहुत विचरण कर रहे हैं, आप हैरान हो जाएंगे, सबसे प्यारी कुछ कुछ जगह की जो रोड्स हमें मिली वो उत्तर ही प्रदेश में मिली, अभी हम लोग अलीगढ़ महोत्सव गए थे तब भी हमें ताज एक्सप्रेस मिल गया दिल्ली से, तो 3 घंटे में कुल अलीगढ़ पहुंच गए साहेब, उसके बाद हम इटावा महोत्सव में गए तो इटावा में हम आगरा तक ताज से गए, इटावा के बाद एक और एक्सप्रेस मिल गया, शायद उसको आगरा लखनऊ बोलते हैं साहेब, उसने तो और चकित कर दिया, मेरे दाता मेरा उत्तर प्रदेश भी अब प्रगति की एकदम अच्छे पथ पर है, तो ऐसा वाला उत्तर प्रदेश कभी पहले सोचा नहीं गया था भैया, पहले बस जिसके हाथ जो लग रहा था वो उसमें लगा था, तो वो पशुता आ गई थी, अब मनुष्यता बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में और अब दिव्यता बढ़ रही है, मैं तो ये कहूँगा। हमको उसमें हमारे CM योगी आदित्यनाथ जी ने आमंत्रण दिया था पहली ही संगोष्ठी से, और उस पूरी संगोष्ठी का, उस पूरे समूह का हमको बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बना रखा है, और उनका ये बड़प्पन है और उनका ये प्यार है, प्रेम है हमारे लिए, उनकी ब्लेसिंग्स हैं हम पर, आस्था है हम पर, अपना बालक समझ के वो मानते हैं, तो हमने यही बताया था कि देखिए योगी जी इस वक्त योग्य लोगों को पहले लाइए, चाटुकारों को भगाइए, क्योंकि चाटुकारों ने ही तो देश को गरक कर दिया,
अब अगर ये खुल के नहीं बता पाएंगे आप, तो अयोग्य लोग ही बैठे रहेंगे योग्य जगह पे, और योगी को तो भगवान ने इसीलिए बिठाया है ताकि पहले अयोग्यों को भगाओ, योग्यों को लाओ। सिर्फ चार बिल्डिंगें खड़ी करने से, शीशे लगाने से, एसी लगाने से, पेड़ काट के एसी लगाने भर से कोई नई बिल्डिंग नहीं खड़ी, नई इंडस्ट्री नहीं खड़ी हो जाती। जो नया होता है उसमें नए उद्गार होने चाहिए, नए विचार होने चाहिए, नए संस्कार होने चाहिए, और नई कोई बात ऐसी हो कि ओहो यार इससे पहले कभी नहीं हुई। इनका फिल्म नगरी तो हर जगह है, आप इल्म नगरी बनाइए। उत्तर प्रदेश अध्यात्म का गढ़ है, योगी जी आप इसको अध्यात्म की नगरी बनाइए, ऐसा लगे कि अध्यात्म कला नगर ऐसा लिखा जाए। और उसके बाद हमने एक बात बताया, एक संगीत ध्यान केंद्र हम वहाँ बनाना चाहते हैं, जो कि लाखों लोग पूरी विश्व से आए और संगीत का पर्यटन करें, संगीत की पिलग्रिमेज करें, संगीत के सैलानी बने, संगीत के तीर्थ यात्री बने। कैसे? इस पृथ्वी पर मनुष्य सब कुछ कमा रहा है, दौलत भी कमा रहा है, शोहरत भी कमा रहा है, पावर भी कमा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य गंवा रहा है, तमीज़ गंवा रहा है। जब तक वो दौलत इकट्ठी कर रहा है तब तक उसका शरीर ही नहीं रहता, उसकी मणि निकल जाती है शरीर की, सारा पानी सूख जाता है। अभी सूखे हुए आम में और सूखे हुए संतरे में और पुष्ट संतरे में अंतर क्या है? दोनों का पानी सूखा हुआ है बस। जो आज कड़क है वो कल सूख जाएगा, तो हम आज जब कड़क हैं उस कड़क में ही क्यों ना कड़क कर्म करें। हम पानी सूखे में, मान लीजिए नेक कर्म करने में, अब तो तुम सूख गए हो, अब तुम कितना भी अच्छे कर्म करो उनकी कोई, भाई धुन रे धुन तू अपनी धुन, पराई धुन का पाप ना पुन। अब जब आप खुदाए नहीं किसी लायक हुए तब आप दान भी करें तो फिर वो किस काम का? अच्छे कार्य अच्छे समय से हों, वो एक बहुत बड़ी ज़रूरत है आज की। तो इसलिए हमने निवेदन ये किया कि महाराज जी यहाँ पर आप सिर्फ बिल्डिंगें खड़ी करने वालों को मत बुलाइए, चार हरफ अंग्रेजी के बोल बोल के आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे। क्योंकि देखिए अफसर भी हैं बीच में, बहुत सारी टीमें हैं, लेकिन आप एक ऐसा अपना उस पर दृष्टि रखिए बड़ी, और उसमें इन्वॉल्व होइए महाराज जी। इन्वॉल्व होंगे तो पता लगेगा कि हाँ कुछ तो है, तो ताकि अफसर भी जो जो कर रहे हैं वो फिर आपकी देख रेख में हो, नया विचार से, नए उद्गार से, नए संस्कार से एक अध्यात्म का नगर बनवाइए, जिसमें संगीत का एक ध्यान केंद्र हो, जिसमें लाखों लोग विश्व के पहले से ही एक एक साल पहले अपनी जगह बुक करा किया करें। मैंने बोला ऐसी कल्पना करके दिखाई कि भगवान का देखिए नाम लेकर अगर कोई ऐसा संगीत ध्यान केंद्र बने जहाँ एक वर्ष पहले से ब्राज़ील से भी लोग आ रहे हैं, इसराइल से भी लोग आ रहे हैं, अमेरिका से भी लोग आ रहे हैं, लंदन से भी लोग आ रहे हैं, अर्मानिया से भी लोग आ रहे हैं, तंजानिया से भी लोग आ रहे हैं, अफ्रीका से भी, साउथ अफ्रीका से भी, लंदन से भी, ओहो किस लिए? नदी का किनारा हो, वृक्षों की खुली दुनिया हो। साहब ये होगा बिल्कुल जैसे चित्रकूट और नंदनवन, जैसे भगवान राम के विचरण की कोई स्थली है, नदी चल रही है, मोर नाच रहे हैं, वहाँ पर संगीत बज रहा है, हजारों सितार बज रहे हैं, हजारों ढोलक नाद मृदंग पखावज, इन पर ध्यान चल रहा है। लोगों ने अपना संगीत बिगाड़ लिया भैया। ये अंग्रेजी में जो ब्लड प्रेशर है ये क्या है? ये जो अंग्रेजी में ECG ये क्या है? ये लय ही तो बिगड़ गई सबकी। जो संगीत बिगड़ा है वही तो सब स्वास्थ्य है। लोग सोच रहे हैं संगीत सिर्फ गाने का और नाचने का और एंजॉय करने का नाम है, ना संगीत हम सब हैं, वी ऑल आर म्यूजिक, आप भी संगीत हैं। कुछ भी आपका ऊपर नीचे हुआ, ये नाड़ी क्या है? नाड़ी किसी की ठंडी चल रही है, किसी की धीमी चल रही है, संगीत धीमा हो गया आपका। तो अपने अपने संगीत को संतुलित रखने के लिए एक संगीत ध्यान बने, महाराज जी ने उस पर बहुत हमारी तारीफ की है, और ईश्वर ने चाहा तो अब ये बहुत सुचारू रूप से आगे की ओर बढ़ेगा। बस ये है कि जब भी अच्छे कार्य होते हैं उनमें थोड़ा समय भी लगता है, ये ना हो कि आपाधापी हो, इसलिए उन्होंने महाराज जी ने बोल दिया कि हाँ इसमें ध्यान दिया जाएगा। हमने बताया ये मुख्य आकर्षण होना चाहिए। भैया इस पूरी पृथ्वी पर सुना है आपने कहीं संगीत मेडिटेशन केंद्र, संगीत ध्यान केंद्र सुना है कभी? कभी नहीं सुना होगा, और सुना भी होगा तो कहीं हल्का सा सुना होगा, 1500 लोगों का कोई छोटी सी दुकान टाइप,
जो प्राइवेट चला रहे हैं। सर पहली बार जी बनारस में भी बहुत परिवर्तन हुआ है, मैं बनारस के लिए भी आपको ये बताना चाहता हूँ। देखिए बनारस जब बना था, जब बसा था, तब पूरा पाषाण काल था। उस पुरातन काल में जब एक नगरी बसी थी, मेरे बाबा ने बसाई थी, हाथ जोड़ के बोली गवर्जा, तीनों लोग बसाए बनाए बस्ती में और आप बसे वीराने में, तो खुद तो वीराने में रहते थे। पहली नगरी जो बसाई थी वो थी काशी नगरी, और इस काशी नगरी को यदि आप देखें तो पहले संकुचित संकरीत गलियां, और दुनिया बदलती गई, युग बदलते गए, ट्रैफिक बढ़ता गया, तमीज घटती गई, तो इससे क्या हो गया था, अराजकता सी दिखती थी सड़कों पे। कुछ कोई गिर रहा है, कोई गिरा रहा है, कोई मर रहा है, कोई मरा रहा है, कोई मार रहा है, ऐसे सब एक दूसरे से लड़ से रहे थे। धीरे धीरे सड़कें बड़ी हुई, सफाई होनी प्रारंभ हुई, कुल 5-6 वर्ष में अचानक परमात्मा ने जैसे यहाँ पर अवतरण ले लिया हो और अदृश्य रूप लेकर बोल रहे हैं, आओ मेरे बच्चों तुमको थोड़ा जीना सिखाता हूँ। पहले बनारस सिर्फ पान के लिए मशहूर कर दिया गया था, अब बनारस कला, हेरिटेज, संपदा, विरासत, अध्यात्म, और मेरे बाबा विश्वनाथ के लिए जाना जा रहा है। विश्व से लोग धिक्का रहे हैं। आप ये समझिए साहब, हम लोग जब से अवतरित हुए एयरपोर्ट से, आप शायद हमारे 10वें साक्षात्कारी हैं, 10 लोगों को हम साक्षात्कार दे चुके हैं, और इतनी खुली रोड, साफ सफाई, नीचे सर्विस रोड भी हैं। वरना साहब क्या होता है, कहते हैं जो बूढ़े घोड़े होते हैं वो ट्रेन नहीं होते, यहाँ तो लोगों को आदत पड़ गई है, मुंह में खाऊं फोन दबाओ ऐसे चल रहे हैं, चोट खुद को भी लग रही है, पड़ोसियों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको सुधारा, ये बड़ा बात है। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर देना अलग होता है, वो तो परमात्मा ने लोग ऐसे बिठा दिए हमारे केंद्र में, हमारे तेजस्वी प्रधानमंत्री जी आ गए हैं अवधूत बनकर ईश्वर के, तो वो चला रहे हैं देश को। इधर उत्तर प्रदेश में योगी जी बैठे हैं, तो उसके बाद सारे जितने भी कर्मठ टीम है इनकी, यानी मंत्रीगण, ऑफिसरगण, ये सब लोग अच्छे से बना रहे हैं देश को अब। लेकिन देशवासियों को मैं सबसे बड़ा श्रेय देना चाहता हूँ, भैया अचानक कोई बिगड़ा हुआ सुधर रहा है, ये कितनी बड़ी बात, वरना बिगड़े हुए सुधरते नहीं है। देखिए बॉलीवुड कोई जगह नहीं है, वो एक खिचड़ीपुर है, तो वहाँ पर नाना प्रकार की सभ्यता संस्कृति पूरे भारत से जाती है। कितने लोग तो बनारस है के जाए गए हुए हैं वहाँ, हमारा भी आधा जीवन तो बनारस है, हमारी बहन की ससुराल इधर है, मेरे ब्रदर की ससुराल इधर है, हमारा आधा परिवार तो इधर ही है, माता पिता तो हमारे ब्रह्मलीन हो गए, तो यदि हमारा परिवार बना तो वो तो बनारस है, तो हम भी एक तरह से आधे तो बनारस के हो गए। लेकिन कुदरतन बात यह है, कितने लोग इस खंड से गए हैं वहाँ पर, भारत भर से जा जाकर लोग मुंबई में अपनी अपनी सभ्यता परोसते हैं, उसके बाद उसका नाम अचानक किसी ने नकली नाम रख दिया बॉलीवुड। बॉलीवुड कोई नाम नहीं है, एक भारतीय फिल्म जगत है, उस फिल्म जगत का जो संगीत है वो 2% है कुल। अब 98% क्या है, 98% जो है संगीत वो भारत भर में फैला हुआ है, और 98% संगीत को यदि कोई जान ले, हे मेरे बाबा, तो आप सिर्फ बनारस की बात ना करें, बनारस जैसे भारत में कितने ऐसे हमारे ऐतिहासिक नगर हैं, ऐतिहासिक धरोहर हैं, ऐतिहासिक कला नगरी हैं, जहां आप जाएं, चंदेरी एक छोटी सी जगह है साहब ये मध्य प्रदेश में, चंदेरी जहां पे बैजू बावरा की वो भी है। आपको हैरान हो जाने वाली बात बताऊं, वहाँ सिल्क बनता है, जैसे हमारे बनारस का, वहाँ छोटा सा नगर है, वहाँ का अपनी एक विशेषता है, बनारस की तो अनंत विशेषताएं हैं। ऐसे हर नगर भारत का अपनी अपनी विशेषताएं लिए हुए है, और अगर हम हर नगर से एक एक मनुष्य को छांट लें, एक एक को, अभी मैं 100 को नहीं बोल रहा हूँ, एक एक को छांट लें, तो भारत भर से आपको कितने नग मिल जाएंगे। लेकिन वो दृष्टि नहीं है लोगों के पास, बस लगे हैं फिल्मों में देखने में, फिल्में, और उसको भी बॉलीवुड कह के।
तो अरे भैया बॉलीवुड ठीक है, वो 2% है जी, 98% तो गाँवों में आप जाइए, कोई सारंगी बजा के इतना गहरा गाता है कि फेल कर दे बड़े बड़े बॉलीवुड को। सर आप एक शो कर रहे हैं IPML, हाँ उसके बारे में। IPML एक बहुत ही यूनिक शो है, भारत में पहली बार ऐसा शो हो रहा है, बल्कि दुनिया में भी। पहले आपने स्पोर्ट्स के IPL और ये सब सुने होंगे, ये म्यूजिक की लीग है। और जो हम जैसे थोड़े अनुभव लिए हुए लोग जो थे और हमारे सीनियर भी, वो सब जज बनते थे, हम भी जज बनते थे बहुत सारे शोज में। अच्छा रोज वही सब बात घिसी पिटी करके तो लोग बोर होते हैं। हमने हमारे साथियों को आइडिया दिया कि इस बार कुछ नया कीजिए, और जो नए डेब्यूटेंट हैं, उभरते हुए कलाकार हैं, उनको अपने साथ बिठाइए, उनको आत्मविश्वास मिलेगा कि बड़े और हम समकक्ष में बैठकर सीखने को बहुत कुछ मिलता है, हाव भाव आचरण ये सब का पता लगता है। तो एक तो ये नयापन होगा जो पब्लिक को भी बहुत पसंद आएगा। तो 6 टीमें बनी ऐसे, हम मुंबई वॉरियर्स के कैप्टन हैं जी, मुंबई वॉरियर्स एक टीम है, ऐसे गुजरात रॉकर्स एक टीम है, ऐसे दिल्ली जैमर एक टीम है, बंगाल टाइगर एक टीम है, ऐसे 6 टीमें बनी, 6 टीमों के 6 ओनर हुए, 6 ओनरों के मैस्कर्ट्स हुए, लकी मैस्कर्ट्स जिनको एम्बेसडर भी कहते हैं, यानी 18 गायक 12 नायक एक पहले शो में। ZTV ने ऐसा प्रकल्प देखा और हम लोग उसकी क्रिएटिव से ही जुड़े रहे। तो ये बीजानुरोपण से लेकर बीज से वटवृक्ष तक की यात्रा ये है, जिसका नाम है इंडियन प्रो म्यूजिक लीग IPML। सैटरडे संडे इसका मंचन होता है, टेलीकास्ट होता है, शनिवार रात 8 बजे से रविवार रात 8 बजे तक वोटिंग लाइंस खुलती हैं, जनता जनार्दन ही इसके जज हैं। अच्छा अब इसमें कैसा है, कहने को है मुकाबला टक्कर, लेकिन टक्कर क्या, जैसे घर में अंताक्षरी खेलते हैं सब, तो आपस में मुकाबला तो होता ही है ना साहेब, हार जीत तो वहाँ भी होती है, ऐसे ही यहाँ, लेकिन ये थोड़ा रॉयल स्टाइल में है, बड़े सेट पर बिल्कुल राजसी अंदाज में, तो ऐसा कि लार्जर देन लाइफ। तो पूरी दुनिया में पहली लीग है ये, उस लीग के हम कैप्टन हैं मुंबई वॉरियर्स टीम के। हमारी टीम का पूरा नाम है जो ओनर के साथ जुड़ता है, नीलकमल मैट्रेस, ये प्रोडक्ट का नाम उनका नीलकमल मैट्रेस मुंबई वॉरियर्स। तो मैं आपके माध्यम से हमारे दर्शकों से ये निवेदन करूँगा, भले हम उत्तर प्रदेश के हैं, दिल्ली में पले बड़े हैं, दिल्ली के हैं, उत्तर प्रदेश में थोड़े रहे और अब मुंबई में रहते हैं, लेकिन हम आपके हैं, आज मुंबई के कैप्टन हैं, लेकिन आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि मुंबई वॉरियर्स को वोट करिए। वोटिंग सिंपल है बहुत, रात शनिवार रात 8 बजे से रविवार रात 8 बजे तक लाइन खुलती है, और वोटिंग का नंबर है 9993000, यानी 99,30,000, ऐसे मान लो 327, 9933000327। फिर से हिंदी में बताता हूँ, 99,30,327 नंबर पे बस मिस कॉल दीजिए, लेकिन अभी ना दीजिए, दीजिए शनिवार रात 8 बजे से रविवार रात 8 बजे तक जब टेलीकास्ट होते हैं। तो और मुंबई वॉरियर्स पर आप लोग अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिए। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, मिल जाएगा जी उनको। हमने अभी कुछ ऐसे प्रकल्प छेड़े हैं कि सिर्फ बनारस नहीं, पूरे भारत से, पूरे विश्व से, जिनका कोई नहीं उनका तो कैलाश पैदा हो चुका है ऑलरेडी। हम ऐसा विचार कर रहे हैं भैया जो ख्वाबों में नहीं हुआ, बड़े बड़े गायकों ने, बड़े बड़े संगीतकारों ने नहीं कभी किया। कभी किसी गायक ने कोई गायक लॉन्च किया भारत में, कभी सुना है आपने? हम कर रहे हैं पिछले 4 साल से, हम गायक ही गायक लॉन्च कर रहे हैं। तो पहली बार जब मुख्य अतिथि के रूप में जावेद अख्तर साहब और शबाना आजमी जी आए थे, उन्होंने बोला भी कि पहली बार देख रहे हैं हम अपने करियर में जो कोई पागल आदमी ही ऐसा काम करता कि अपना प्रतियोगी खुद खड़ा कर रहा। और लेकिन ये दुनिया ऐसे ही लोगों से जानी गई है, तो हमने प्रारंभ कर दिया है जो आपका विचार है। हम भारत भर से जिन जो गहरे अनकट डायमंड हैं उनको मंच भी देंगे, मंच के साथ साथ जो जो सहयोग होने लायक होंगे वो सब देंगे।
हम ऐसा भी विचार कर रहे हैं कि भारत भर में कैलाश खेर एकेडमी ऑफ लर्निंग आर्ट्स कला KKALA कला इसकी हम शाखाएं खोलेंगे और सिर्फ पैसा कमाने के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इस जीवन को बदलने के लिए, सोच को बदलने के लिए ऐसा कार्य करेंगे। कैलाश खेर फाउंडेशन हमने बनाई है, जो हमें नहीं मिला कभी जब आवश्यकता थी वो हम अब देना चाहते हैं पृथ्वी को। 15 साल की कुल यात्रा में 15 साल हुए हैं भैया हमारी यात्रा को, ऐसा भी नहीं कि जी योग हो गए कुछ। कैलाश खेर खुद को किस पोजीशन पे देखते हैं इस समय? भाई पोजीशन कुछ नहीं है, बस लोगों का प्यार हमें मिलता है साहब, यही हमारी शक्ति है, यही हमारा स्ट्रेंथ है। आप जैसे हृदयों में थोड़ी सी जगह मिली, पहले सोचते थे हम तो अकेले हैं, मर जाएंगे, जी जाएंगे, आज परमात्मा जहाँ से गुजरते हैं परिवार की तरह लोग लाड़ करते हैं, यही मैं बोलता हूँ, इसको ही मानता हूँ सफलता। सफलता भैया आपके बड़ी गाड़ी में बैठ जाने से और बड़े बड़े वैभव में जीने से नहीं होती है, सफलता होती है जब आम से खास तक आपको लाड़ करे, ऐसे देखे, प्यार से आशीर्वाद दे और बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी विचार के, निर्विचार होकर, नहीं नहीं अच्छी आत्मा है, दुआएं दो इसको, प्यार दो इसको, आशीर्वाद दो, ये है सफलता। तो बस वही चल रहा है, जहाँ भी जा रहे हैं, जिस राज्य में जा रहे हैं, जिस नगर में जा रहे हैं, जिस देश में जा रहे हैं भैया, लाड़े लाड़ बिछा पड़ा है, बस इसी को संजो लो, यही मेरा ईश्वर है, यही मेरे शिव हैं।